आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। क्या आप दिखाई गई रंगीन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए पहली आकृति से शुरू करते हैं। यह एक बहुभुज है जिसका क्षेत्रफल हम पिछली वीडियो में सीखी गई विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इस आकृति के इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ें, तो आप देख सकते हैं कि हमें तीन त्रिभुज मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः त्रिभुज एक, त्रिभुज दो तथा त्रिभुज तीन से नामांकित कर देते हैं। क्या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकते हैं? शाबाश, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या हमें त्रिभुज एक की ऊंचाई व आधार की माप पता है? प्रश्न में दी गई जानकारी से हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 इंच है, जिसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एक की ऊंचाई 1 इंच तथा आधार की लंबाई 2 इंच है। अतः जिसकी मदद से हम त्रिभुज एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 1 वर्ग इंच है। इसी प्रकार हम त्रिभुज 2 व 3 की ऊंचाई तथा आधार की लंबाई का पता लगा उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिनके योगफल स्वरूप हमें पहली आकृति का क्षेत्रफल मिल जाता है, जो कि 5 वर्ग इंच है। आइए अब दूसरी आकृति पर गौर करते हैं। तो अब इस स्थिति में हम इन आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह हरी आकृति 1 वर्ग द्वारा घिरी हुई है, जिसके अंदर इस हरी आकृति के अतिरिक्त हमें यह 3 त्रिभुज दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्रमशः त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 तथा त्रिभुज 5 से नामांकित कर देते हैं, जिनकी लंबाई व ऊंचाई की माप हम आसानी से ज्ञात कर उनका क्षेत्रफल कुछ इस तरह पता लगा सकते हैं, और फिर वर्ग के कुल क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग को घटाने पर हमें आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इंच है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग इंच होगा, जिसकी मदद से हमें हरी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इंच प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हमने बहुभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखे।